हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के एक ऐसे शहर की जो यहाँ के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसकी सीमाएं तीन देशों से लगती हैं, और साथ ही में इस शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य यानी सेवन सिस्टर में जाने के लिए हर किसी को इसी शहर से गुजरना पड़ता है। अर्थात यही वो शहर है जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, और साथ ही में ये शहर वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही सुंदर शहर सिलीगुड़ी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिलीगुड़ी में घूमने की सबसे अच्छी जगहों के बारे में, और साथ ही में हम सिलीगुड़ी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें भी जानेंगे जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सिलीगुड़ी शहर के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, हिमालय की तलेटी में स्थित सिलीगुड़ी शहर वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता से 600 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1470 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये शहर चारों ओर से खूबसूरत हिमालयन पहाड़ों से घिरा हुआ है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से साल भर में अनेकों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 11,20,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर पश्चिमी बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी सबसे अधिक है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 92% हिंदू, 5% मुस्लिम, 1% क्रिश्चियन और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। सिलीगुड़ी शहर महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस शहर को उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्वी भारत में घूमने के लिए यात्रियों को सिलीगुड़ी शहर से ही होकर गुजरना पड़ता है। सिलीगुड़ी शहर को इस क्षेत्र की कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो इस शहर में प्रत्येक 100 लड़कों पर 94 लड़कियां हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी शहर भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसकी सीमाएं तीन देशों से लगती हैं, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश शामिल है। दोस्तों, ये शहर वेस्ट बंगाल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सिलीगुड़ी में घूमने की पांच सबसे अच्छी जगह। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कोरोनेशन ब्रिज। दोस्तों, कोरोनेशन ब्रिज को सेवक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो तिस्ता नदी के ऊपर बना हुआ है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये ब्रिज हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पुल को ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पूरी तरह से स्टील से बनाया गया था, जिस वजह से इस पुल को लोहा पुल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पर है बेगा सर्किल मॉल। दोस्तों, सिलीगुड़ी के निम्बू बस्ती में स्थित बेगा सर्किल मॉल शहर के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े मॉलों में से एक है। अगर सिलीगुड़ी में आपको किसी भी चीज को खरीदने की जरूरत पड़े तो आप लोग इस मॉल में जा सकते हैं। दोस्तों, इस मॉल में आपको फूड कोर्ट के साथ साथ गेमिंग जोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3 पर है सेवन किंगडम। दोस्तों, सेवन किंगडम सिलीगुड़ी में घूमने का सबसे अच्छा वाटर अम्यूजमेंट पार्क है, जो लगभग 10 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। अगर आप लोग सिलीगुड़ी में वास्तव में मस्ती करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर घूमने जरूर आएं। यहाँ पर आपको बहुत मजे आने वाले हैं। सेवन किंगडम सिलीगुड़ी में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक भी माना जाता है। नंबर 2 पर है बंगाल सफारी। बंगाल सफारी को ऑफिशियली बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल सफारी पार्क वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। ये पार्क 297 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर आप लोग पेड़ पौधों और जानवरों की अनेक प्रजातियों को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग एक एनिमल लवर हैं तो ये जगह वास्तव में आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल को श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस खूबसूरत मंदिर को इस्कॉन ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है। सिलीगुड़ी का ये भव्य मंदिर भगवान राधा कृष्ण जी को समर्पित है। दोस्तों, अगर आप लोग सिलीगुड़ी घूमने आए तो इस मंदिर को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये मंदिर सिलीगुड़ी में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इन जगहों के अलावा आप लोग सिलीगुड़ी में घूमने के लिए साइंस सेंटर, कंचनजंगा स्टेडियम, सालूगारा मोनेस्ट्री, ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि जगह जा सकते हैं।
तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।